हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के शुरू में बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर बी फार्मेसी के मेरिट लिस्ट के बारे में, जो कि हम पर्टिकुलरली सभी गवर्नमेंट कॉलेज के देखने वाले हैं। उसके साथ सभी गवर्नमेंट की कॉलेज की कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट हम देखने वाले हैं 2019-20 की कैप राउंड फर्स्ट की, जिससे कि एक आपको अंदाजा आ सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज का मेरिट कितना होता है। वैसे तो अभी 2020 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी COVID-19 के और ऑनलाइन एग्जाम की वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मार्क्स आ चुके हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम के एग्जाम जो भी थे थोड़े इजी थे। तो उसके बाद आपको इससे अंदाजा लगना कितना सही होगा और कितना नहीं सही होगा, मतलब कैप राउंड फर्स्ट, मतलब पिछले साल के मेरिट से आप कितना अंदाजा लगा सकते हो और वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना। मैं इसी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएंगे और बाकी से भी सोशल मीडिया हैंडल की लिंक मिल जाएंगे, जाकर जरूर वहाँ पर फॉलो कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए और नॉलेजेबल पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती। तो सबसे पहले आपके मन में जो भी सवाल है उसको हम लास्ट में देखने वाले हैं, कौन सा कि अभी इस साल बहुत ज़्यादा मेरिट लगने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले क्या है कि अभी पहले मेरिट समझ लो कि जो भी रेगुलर मेरिट कितना हुआ करता था। तो सबसे पहले कैप राउंड का मेरिट देखेंगे, इससे थोड़े थोड़े मतलब डिफरेंस से जो भी बाकी दो कैप राउंड है उनका मेरिट होता है। हम सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती, जो कि फुल्ली ऑथराइज्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसका जी ओपन मतलब जेंट्स ओपन मतलब जेंट्स के लिए सबसे पहले लिस्ट कितनी थी 88.1%। अभी जीएससी मतलब जेंट्स एससी कैटेगरी के उनको कितनी थी 85.4, जीएसटी उनका कितना है 89.8, जी ओबीसी का कितना है 87.4, यहाँ पर जी एस सी बी सी कितना है 87.4, एल लेडीज ओपन कितना है 89, एल एन टी सी इतना उनका कितना है 82, एल ओबीसी का कितना है लेडीज का 88.5, पीएच ओबीसी यहाँ पर 67.6, DFNTA उनका कितना है 74.3 और EWS उनका कितना है 87.9। बस आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के मार्क्स आप मतलब ध्यान में रख लो, बाकी कैटेगरी जिनकी जो कैटेगरी है उनके उनको उनके ही मार्क्स देखने हैं, जिससे कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो एनालाइज कर सके। यहाँ पर देखो गवर्नमेंट कॉलेज सबसे पहले देखा, अभी दूसरा देखते हैं औरंगाबाद वाला, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है उनका मेरिट कितना है जी ओपन के लिए 90.2, एससी के लिए कितना है 84, जीएनटीबी उनके लिए कितना है 89.2, जीओबीसी कितने ओबीसी के लिए कितना है 88.1। यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप अपना मेरिट यहाँ पर चेक कर लो कौन सा है और उसको ध्यान में रख लो, यहाँ पर देख लिया आपने। उसके बाद अभी जो भी थर्ड गवर्नमेंट कॉलेज आता है जो कि फुल्ली गवर्नमेंट और ऑथराइज कॉलेज है, और उस मेन मतलब चार कॉलेज है जो कि फुल्ली गवर्नमेंट है, बाकी गवर्नमेंट एडेड होगी अनएडेड होगी उसके लिए लिस्ट और वीडियो मैंने अलग से आपको दे दिया है। तो जो भी अभी रत्नागिरी वाला देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी रत्नागिरी, उनका जेंट्स ओपन के लिए कितना है 87, जेंट्स एससी के लिए कितना है 83.4, जीएसटी के लिए कितना है 82.5, जीएनटीसी के लिए कितना है 87.6, ओबीसी के लिए कितना है 87.3। इसी तरह से अपनी जो भी कैटेगरी है उसके मार्क्स यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ पर DFNTA के लिए कितना है 67.3। तो यहाँ पर थर्ड कॉलेज देखा। अभी जो फोर्थ कॉलेज है गवर्नमेंट वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड़ वाला कॉलेज, तो कराड़ का जो मेरिट कितना है 89.5 जी ओपन, जी एस सी के लिए कितना है 89.3, एस टी के लिए कितना है 81.5, ओबीसी के लिए कितना है 88.6। तो देखो यहाँ से आप फिर से लाइकवाइज जो भी आपका मेरिट है मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से क्या करो अपना मेरिट यहाँ पर चेक कर लो। तो यहाँ पर हमने देख लिया। तो अभी जो भी आपके मन में मेन सवाल है, अभी चार जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके हमने मार्क्स देख लिए, तो आपके मन में सबसे बड़ा जो भी सवाल है कि अभी इस साल मार्क्स बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स को, मतलब 94, 95, 96, 92, 91, मतलब 30 to 50% स्टूडेंट जो भी हो गए वो 90 के अबव ही हो गए, मतलब एक मैंने अपना अंदाज़ा लगा लिया। अभी जो भी मेरा ओपिनियन रहेगा कि इस साल क्या होगा और आप इस साल किसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। या अगर आप सबसे पहले जो भी कॉलेज है अमरावती वाला कॉलेज है, अमरावती वाला अगर कॉलेज देखें और ओपन की बात करें, ओपन का मेरिट यहाँ पर कितना 88.1,
तो पहले क्या था कि 88 वाले, मतलब मैक्सिमम कॉलेज में 86 7 88 वाले, तो क्या और थे टॉपर्स, मतलब जिनका टॉपर्स थे वो इस रेंज में थे। इस साल के टॉपर्स किस रेंज में है, 95 96 97 भी हो सकते हैं, मैं जितना मैंने सुना है उसमें। सो देखो कि क्या है कि आप भी बताओ कि आपके कॉलेज की टॉपर की लाइन, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने, कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आप बाकी लोग एनालाइज कर सकें कि क्या। देखो सबसे पहले 88 अगर थे पिछले साल मेरिट, तो वो मतलब टॉपर के जो भी थे उतने ही थे, मतलब 88 तक थे, 89 तक हो गए, मैक्सिमम 90 91 तक हो गए। अभी क्या हुआ कि 5 से 6% से जो भी टॉपर है उनके मार्क्स बढ़ गए, जो भी टॉपर है, मतलब फर्स्ट कैप राउंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब अगर जिनको 85 पढ़ने वाले थे उनको शायद 90 तक बन गए हैं। अब यहाँ पर तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है, पर मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं भी वो सही ठहर सकता है और गलत भी ठहर सकता है, पर आपके हिसाब से लो कि आपको क्या लगता है, और वो भी आपका मतलब आपको जो भी लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। इस साल क्या कर लो, जो भी हाईएस्ट मेरिट है उससे 5% ज़्यादा पकड़ लो, 5 से 6%। मतलब अगर आपको 90 है तो आप, मतलब अगर 90 का मेरिट है तो आप पकड़ लो कि 95 तक मार्क्स चाहिए फर्स्ट, मतलब मेरिट लिस्ट में आपको नंबर, आपको मतलब नंबर लगने के लिए। या मतलब पकड़ लो कि इस बार 96 95 का जो भी, जो उनका भी 90 तक यहाँ पर मेरिट है, वो जिसको गवर्नमेंट कॉलेज का ओपन के लिए बात कर रहा हूँ, उस तरह से आप अपने कैटेगरी वाइज भी मतलब उसको समझ लो, मतलब आपके जितने पिछले साल मेरिट है उससे हाई लगने वाला है, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले। तो पहली जो भी कैप राउंड होगा, मतलब जो भी 90 और 85 के आगे वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें 5 से 6% का उनको जो भी मेरिट है उससे हाई पकड़ना पड़ेगा। जो भी सेकंड मेरिट लिस्ट वाले होगी, मतलब जैसे कि उनको जहाँ पर अगर सेकंड मेरिट हमारे पास नहीं, इससे कम पकड़ लो, मतलब 85 पकड़ लो। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट अभी 70 के अबव है, मतलब मेरिट तो 70 और 80 के बीच में वहां पर घूमने वाला है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट, मतलब जो जिनको लगता है कि अभी 85 या जिनका, मतलब जिस कॉलेज का 80 था मतलब मेरिट, इस बार पकड़ लो आप, 85 या 90 तक जाएगा सेकंड सेकंड कैप राउंड, मतलब सेकंड मेरिट ले, मतलब किस किस मतलब जो भी हमने क्या बात कही थी, जो भी जिनके मार्क्स अभी 85 से 90 तक, उनको हमने क्या बोला कि 95 तक की उनका मेरिट जा सकता है, 93 94 95 96 तक भी जा सकता है। और जिस कॉलेज का मेरिट अभी, अगर बाकी कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का, तो ये पकड़ लो कि सभी जो भी 90 के पास ही है उनका 95 96 तक जा सकता है, सेकंड और थर्ड कैप राउंड में कम ज़्यादा हो, मतलब रिवर्स आ सकता है या मेरिट वही उतना ही बना रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स है। तो सेकंड मेरिट, मतलब जिनके मार्क्स अभी 80 और 85 तक जिनका मेरिट है पिछले साल का जिस कॉलेज का, उनका आप पकड़ लो कि 5 से 10% से उनको ज़्यादा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी 80 के आगे चले गए तो 80 का मेरिट कैसे किस तरह से मिल सकता है, क्योंकि 80 से आगे ही सभी स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी मेरिट 5 से मतलब 90 तक आ सकता है, 88 तक आ सकता है। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, अब उसका आपको एनालाइज करना पड़ेगा सभी कॉलेज के मेरिट पिछले साल को कंपेयर कर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा, या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते रहे, मैं हर आपको डाउट सॉल्व करते रहता हूँ और वहाँ पर आपको अपडेट भी देते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।